गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर ये एनबीएफसी हमें पढ़ना ज़रूर है, लेकिन हमें पहले कुछ बातें करनी है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप। स्टार्टअप में दो चीज़ें हमने कल जाते जाते कंप्लीट कर दी थी, दैट इज इनक्यूबेटर एंड क्राउड फंडिंग। अब एक लास्ट डिस्कशन बचा है वहाँ पर, 5 मिनट हार्डली, इसको आप समझ लें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप का लाइफ साइकिल क्या होता है। देखो, आपने आज तक लाइफ साइकिल वर्ड बहुत बार सुना है। सो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि चीज पहले इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी, ग्रो करेगी, मैच्योरिटी पर पहुंचेगी, देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। अब यहां पर पढ़ाया जा रहा है स्टार्टअप की लाइफ साइकिल। तो स्टार्टअप की लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। पहली स्टेज में क्या कर रहे हैं हम एक आइडिया आया, उस आइडिया को हम एक वैलिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइडिया कैसे आता है स्टार्टअप वालों को, कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी हैव अ प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, वी हैव प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो आइडिया होता है, तो हमारी पहली स्टेज तो क्या होती है, हम उस आइडिया से नया वेंचर क्रिएट करके लाएं, एक सॉल्यूशन लाएं और उसको डेवलप करें। दूसरी स्टेप में क्या होता है कि हम उसको वैलिडेट करते हैं, ये क्या कि जो बना वो काम कर पाएगा क्या। फिर क्या होता है, अगर आपका वो वैलिड हो पाया आइडिया, अब उसको आप मार्केट में डालोगे तो क्या होगा, ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा। ट्रैक्शन मीन्स लोग आप तक पहुंचना स्टार्ट होंगे, ट्रैक्शन आना, अर्ली ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आना मीन्स अब आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा। और फिर लास्ट क्या है, ऑब्वियस है कि या तो वो ग्रो करेगा, और अगर यहीं पर चीजें खत्म हो गई तो ऑब्वियस है वो स्टार्टअप बंद होगा, जो कि अधिकतर स्टार्टअप में होता है। अगर ग्रो नहीं हो पाया, अर्ली ट्रैक्शन अच्छा नहीं चल पाया, ट्रैक्शन आगे नहीं बढ़ पाया, तो डेफिनेटली यू नीड टू एग्जिट, बंद करना पड़ता है वो स्टार्टअप। यही तो प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी। तो वन बाय वन सबको समझते हैं, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। क्या लिख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होती है स्टार्टअप की लाइफ साइकिल की, दैट इज आइडिएशन। क्या है, इट इज कैटेगराइज्ड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप क्या चेक करते हो यहां, आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हो, फिजिबिलिटी चेक करते हो। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, संभावना। यहां होता क्या है, आप गार्नरिंग करते हो अ वैरायटी ऑफ ओपिनियंस टू फर्दर असेस अ बिजनेस मॉडल। आप लोगों की ओपिनियन लेना स्टार्ट करते हो कि यार देख ऐसा है ना, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, मैं ऐसा एक सॉल्यूशन लाना चाहता हूं, क्या सॉल्यूशन चलेगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक कॉन्सेप्ट बताया कि लोग ना अपने कर्म, अपने कांड लोगों को बताने से डरते हैं, दूसरों को। तो बोले मैं कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूं, एक ऐप बनाना चाहता हूं कर्म कुंडली नाम से, तो वहां वो मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे कि होता था सच का सामना नाम का एक रियलिटी शो आता था। तो वो कह रहा है मैं उनसे क्वेश्चंस इस तरह के तैयार करूंगा, वो उसके आंसर्स देंगे और मेरे यहां सबमिट करेगा, जो कि टोटली कॉन्फिडेंशियल होगा। फिर मैं उसको स्कोर्स दूंगा, तो क्या लोग इसको फॉलो करेंगे, लोग इस पर आएंगे। क्या कर रहे हो आप, आपके दिमाग में क्या आया अभी, केवल एक आइडिया, और आप क्या पूछने आए हो अभी, केवल इसकी फिजिबिलिटी, क्या ऐसा कर लूं चलेगा। तो यहां बहुत सारे लोगों की क्या लेते हो, ओपिनियन टू फर्दर असेस अ बिजनेस मॉडल, टू मॉडल टेक्स प्रेसिडेंस, आगे इसको मॉडल के फॉर्म में कन्वर्ट करूं नहीं करूं, इसके लिए आप ओपिनियन ले रहे हो अभी। जब आप अपनी उस पोटेंशियल वायबिलिटी को क्या करते हो, टेस्ट, तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होते हैं कि गवर्नमेंट की कोई सहायता मिलेगी क्या, इसको लेकर कोई रेगुलेशंस है क्या, इसको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने को लेकर क्या क्या चीजें होंगी। तो अल्टीमेटली जब आप यहां आते हो तो इस स्टेज में 3 चीजें कंसिडर की जाती हैं, किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, किन लोगों के लिए बनाओगे,
किस तरह से बनाओगी, बिजनेस मॉडल क्या होगा, मतलब पैसा कैसे आएगा, काम क्या करोगे, और इस काम को करवाने के लिए आपके पास कैसे लोगों की जरूरत है। स्टार्टिंग फेज क्या होता है, तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, बट नॉर्मल स्टार्टिंग फेज क्या, आइडिएशन फेज, जहां आप केवल अभी फिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो, लोगों से ओपिनियन लेना चाहते हो, ये चेक करना चाहते हो फिर इसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी क्या, इस स्टार्टअप में कोई रेगुलेशंस हैं क्या, और तीन चीजों का अल्टीमेटली आंसर मिलता है यहां से, किन लोगों के लिए लाएंगे, टारगेट मार्केट क्या होगा, फिर बिजनेस मॉडल क्या, हम कैसा बिजनेस बनाएंगे इस सॉल्यूशन के आसपास, एक प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन लाना चाहता हूं, उसके आसपास कैसा बिजनेस मॉडल बनेगा, और फिर अल्टीमेटली उसके लिए कैसे लोग चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप आइडिएशन और डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेज इज वैलिडेशन। व्हाट इज दिस वैलिडेशन? एक बार आपने अभी तक मॉडल बना लिया क्या? नहीं, आपने केवल लोगों से पूछा कि चलेगा क्या, लोग कह रहे हैं चल सकता है, आपने फिजिबिलिटी चेक कर ली, पॉसिबिलिटी संभावना आपने चेक कर दी, वंस एंटरप्रेन्योर हैज इवैल्यूएटेड द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया एंड हाईलाइटेड द ब्रॉड स्केल बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये भी देख लिया कि हम बिजनेस कैसे चलाएंगे, इस मॉडल कैसे मॉडल बनाएंगे, कैसे इस सॉल्यूशन के आसपास हम बिजनेस चलाएंगे ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को वैलिडेट करना पड़ेगा। डाउट है, अब आपको डाउट आएगा कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, सिंपल लैंग्वेज बताओ ना, वैलिडेशन मतलब क्या, वैलिडेशन मतलब ये बात कि तुमने सोच लिया, मेरे दोस्त ने सोच लिया, कर्म कुंडली नाम का एक मैटर बनाऊंगा, हमने बोला चल, हमने बोला चल, एक बार मान लेते हैं चल जाएगा, अब पता कैसे बनाएगा, अब बोलेगा ना एक ऐप बनाऊंगा, उस ऐप में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा, तो हम बोलेंगे करके देख एक बार, तो अल्टीमेटली अब क्या बनाने को बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं बना के दिखा कैसा प्रोडक्ट बनकर आएगा। स्टार्टअप्स के केस में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोई इनोवेटिव चीज, आईटी प्रोडक्ट हो तो ऐप डेवलप होगी, कोई वेबसाइट डेवलप होगी, तो प्रोडक्ट बना के दिखा पहले, क्या वो पूरा प्रोडक्ट बना लेगा पहले ही दिन, नहीं, उसको बनाना होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, उससे मिलता जुलता कुछ सैंपल, जैसे ये रोबोट चौराहे पर या हमारे यहां जो रोबोट बना था, रोबोट चौराहे पर रोबोट लगा हुआ था सिग्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या आईआईटी इंदौर वालों ने ये पहले ही दिन इतना ही बड़ा रोबोट बनाया होगा? नहीं, पहले उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बनाया था। किसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे? यस, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे घूमेगा, कैसे चलेगा, हाथ कैसे होंगे, ये प्रोटोटाइप। तो पहले उसका सैंपल तो बना लो। तो हम अब क्या करना चाहते हैं, यहां वैलिडेशन चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बन पाएगा। तुमने सोच लिया ना, तुमने बोला ऐसा कर दूंगा चलेगा क्या, हमने बोला चलेगा, ये क्या हुआ, आइडिएशन। अब हम बात कर रहे हैं वैलिडेशन, ऐसा बना के तो दिखा। इस प्रोसेस में क्या होगा, गोल डिफाइन होंगे, एक वैल्यू कहां से क्रिएट होगी, वो डेवलपमेंट डिफाइन, डेवलपिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन, और हम उसको करेंगे वैलिडेट थ्रू कस्टमर फीडबैक कि भैया ये चलेगा क्या, ये हो पाएगा क्या। यस यस सिद्धि, आगे इस स्टेज पर स्टार्टअप, दिस स्टेज ऑफ स्टार्टअप एग्जूड्स हाई रेलेवेंस एज ड्राइव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल आउटकम। यहीं से आपका आउटकम निकलेगा, ये बहुत रेलिवेंट स्टेज है। इधर होता क्या है, यहां हाईलाइट किए जाते हैं फीचर्स, जो आपने आइडिएशन स्टेज में फीचर्स बनाने की कोशिश की थी ना, अब हम बोलते हैं वो दिखाओ यहां पर, कैसे दिखाओगे। यहां आएगा वायबिलिटी का प्रूफ टेस्टिंग के थ्रू, यहां अल्टीमेट कंसिडरेशन कितने, दो, कि आप सबसे पहले आप क्या बनाओ, प्रोटोटाइप। ऊपर तो आपने आइडिया वैलिडेट करवाया था लोगों से, अब तुम प्रोटोटाइप करवाओ, प्रोटोटाइप का वैलिडेशन और उसकी टेस्टिंग, और टाइम टू टाइम उसमें आप क्या करोगे, किसी को दिखाओगे बोलेगा ये नहीं चलेगा, किसी को दिखाओगे तो ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मॉडिफिकेशन। थर्ड, अब क्या होगा, अर्ली ट्रैक्शन। ये क्या है, कुछ टारगेट कस्टमर तक हम हमारी बात को पहुंचाएंगे और फिर वो लोग हमें बताएंगे कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, अब कैसा चल रहा है। दे मे टेस्ट, दे विल टेस्ट द एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस जो आपने ऑफर की है। यहां अपने आप में अपने चैलेंजेस हैं, यहां रेवेन्यू थोड़ा बहुत आना स्टार्ट होता है,
प्रोडक्ट अब मार्केट में गया, टारगेट कस्टमर तक पहुंचाया आपने, पब्लिक एट लार्ज तक नहीं पहुंचाया। यही होता है स्टार्टअप्स में, पहले अपने पहले दिन ही आप लाखों लोगों तक प्रोडक्ट नहीं ले जाते, पता पड़ा वेबसाइट हैंग हो गई। आपको क्या लगता है वेबसाइट बनने के पहले टीवी पर एड आना स्टार्ट हो गया होगा क्रेड वाले का या ऐप बनने के पहले? नहीं, वो हैंग हो जाएगा ना, इतने लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो यहां आप टारगेट सेट तक पहुंचाते हो। अब क्या होगा, ट्रैक्शन जब मिलना स्टार्ट हुआ तो अब आप देखोगे कि कस्टमर रिटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, रिटेंशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यस, ये वो टॉपिक है जो मॉड्यूल आया था उसके बाद क्लियर हुए थे, तो ये नए एक काम करूंगा, मैं ये वाले नोट्स भी भेज दूंगा आपको ग्रुप पर। दो टॉपिक हैं इधर, जैसे इधर ये है और एनबीएफसी में एक वो है चिट फंड वाला टॉपिक, ये भेज दूंगा। हाँ, तो कस्टमर रिटेंशन कंफर्म करता है अर्ली ट्रैक्शन आपका। फिर स्टार्टअप्स कैसे करता है, फिर आप काम कैसे करेगा स्टार्टअप्स? नोट्स में तो है, मुझे नहीं पता आप क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा, बताइए लास्ट में। स्टार्टअप अक्वायर मोर कस्टमर्स बाय एक्टिवली सीकिंग फंड फ्रॉम क्राउड फंडिंग। अब देखो ट्रैक्शन आया ना, अब आप बाहर वालों को जाओगे, बाहर वालों के पास जाओगे, पैसा दे दो। आप कब जाते हो आप फंडिंग लेने? सीट फंडिंग स्टेज तो ऊपर गई, आइडिएशन वैलिडेशन के लिए सीट फंडिंग चाहिए होती है। यहां ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ, अब आप ढूंढोगे प्राइवेट इक्विटी वालों को। अब आप नए कस्टमर लाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? फिर से पैसा ब्रांडिंग करने के लिए, तो आप क्राउड फंडिंग के लिए जाओगे, एंजल इन्वेस्टर्स के लिए पास जाओगे, इनक्यूबेटर्स के पास जाओगे, या गवर्नमेंट के पास ग्रांट के लिए जाओगे। अब जाते हो नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाइवटिंग, पाइवट करना। सही बताऊं तो पाइवटिंग का मतलब होता है अपनी स्ट्रेटेजीज में थोड़ा सा चेंज करना। अरे ये नहीं चल पा रहा यार, कुछ नया करते हैं। मैंने आपसे कहा था स्टार्टअप पढ़ाते पढ़ाते कि वो मूवी देखना, वो वेब सीरीज पिक्चर्स, अगर आप देखते और वन फर्स्ट सीजन के बाद सेकंड सीजन देखते तो आपको पाइवटिंग समझ में आया। तो उन्होंने की है क्या, चल नहीं रहा, पाइवटिंग करते हैं, लोगों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं, चीजें चेंज करते हैं। तो स्टार्टअप्स में पाइवटिंग होना कब स्टार्ट होती है? जब कंपनी शिफ्ट करती है बिजनेस स्ट्रेटेजी को टू अकोमोडेट चेंजेस इन इट्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में चेंज हुए, इस वजह से आपको अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ रहा है, या कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंज हुआ, इस वजह से चेंज करना पड़ रहा है, या किसी अदर फैक्टर की वजह से आपको अपना चीजें चेंज करनी पड़ी, तो पाइवटिंग, ये सब यही हो रहा है। ये कब होना स्टार्ट होता है? जब अर्ली ट्रैक्शन आया और आपको क्या मिलने स्टार्ट हुए, क्या मिलने स्टार्ट हुए? फीडबैक्स। इट इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप ट्रांसलेटिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फीडबैक इनटू अ चेंज। जो फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉडल को चेंज कर रहे हो। और सक्सेसफुल कंपनी तभी बन पाती है वो, जब आप फीडबैक जो मिले उनको सक्सेसफुली आप पाइवट कर लो, एक्चुअल चीज कर लो जो लोगों को चाहिए। ये अल्टीमेटली तो सर क्या है, स्टार्टअप में से एक्सपेरिमेंट ही होते रहते हैं यार, स्टार्टअप नाम ही एक्सपेरिमेंट का है। ये कर लो ये चलेगा क्या, ये कर लो ये चलेगा क्या? What makes the experiment work is usually not one major pivot but a series of experiment. ये चलता है customers की वजह से, problems की वजह से, product technology growth इन सब की वजह से pivoting करनी होती है। तो ये regular है, ये बहुत regular चलता है startups में। ये click नहीं हो रहा ये कर दे, इससे customer नहीं आ रहे ये कर दे। Next, last क्या है, या तो growth हो जाएगी या आप क्या ले लोगे, एग्जिट। अगर कंपनी को ट्रू इकोनॉमिक हेल्थ मिल गई, सफिशियंट साइज की कंपनी बन गई, प्रोडक्ट मार्केट का पेनिट्रेशन हो गया, आपकी इकोनॉमिक सक्सेस मिल गई, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सो फिर कंपनी अब इस स्टेज पर कब तक रह सकती है? इनडेफिनेट टाइम तक, जब तक उनका प्रोडक्ट चल रहा है। अब आपको पैसा चाहिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, यहां आईपीओ ला सकते हैं क्या? हाँ, यहां आप स्टार्टअप कहां बचे, यहां तो आप डेवलप हो गए ना, आप ग्रो कर गए। तो यहां आप कंपनी क्या करती है, आईपीओ का सोच सकती है, मर्जर एक्विजिशन में जा सकती है। सक्सेस हुई, अब ग्रोथ पर बनी रहती है कई कंपनियां बहुत टाइम तक, है ना, इवन फिर उस समय उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, $1 बिलियन से ज्यादा, और क्या बन जाती हैं, यूनिकॉर्न्स,
यूनिकॉर्न्स किसको कहते हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसका वैल्यूएशन हो जाए। डेट सिट, ये चार स्टेजेस हैं स्टार्टअप्स की लाइफ साइकिल। लिखना ऑलमोस्ट मन से है, मतलब मन से इंद्र से हमारी लैंग्वेज में, मतलब फर्स्ट वन इज आइडिएशन। ऑब्वियस अगर फंडिंग नहीं मिली या सब नहीं हुआ तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, एग्जिट बंद होगा। तो पहले आइडिया आया, आपने आइडिया लोगों से वैलिडेट करवाया, फिर आपने प्रोडक्ट का वैलिडेशन करवाया, वैलिडेशन, फिर तीसरा पाइवट, तीसरे में क्या होता है अर्ली ट्रैक्शन मिलता है, उसमें आप पाइवटिंग करते हो फिर फीडबैक के बाद। लास्ट इन सब के बाद या तो आप बड़े हो जाओगे, ग्रो कर जाओगे, या एग्जिट। चलिए शुड मूव फर्दर, आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं एनबीएफसी वाला चैप्टर, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। एनबीएफसी की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो, एनबीएफसी वो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती है। मेजरली किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, लोन या एडवांस देने का बिजनेस, सिक्योरिटीज का एक्विजिशन, लीजिंग, लोगों को असेट्स किराए पर देना, सेम हायर परचेज, इंश्योरेंस का बिजनेस और चिट फंड वाला बिजनेस। बट इंश्योरेंस बिजनेस एनबीएफसी जरूर है लेकिन आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, वो आईआरडीआई रेगुलेट करती है। बट एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज या सेल ऑफ गुड्स अदर देन सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी अगर गुड्स है उसका परचेज सेल एनबीएफसी में काउंट होता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज लाइक सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब एनबीएफसी का पार्ट नहीं है। एनबीएफसी इंक्लूड दोस थिंग बट डज नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स। नाउ कब किसी कंपनी को एनबीएफसी माने, कब किसी कंपनी को एनबीएफसी माने, या तो वो पहले दिन अपने आप को एनबीएफसी बना ले, उसका रजिस्ट्रेशन करवा ले, बट लेटर स्टेज पर अगर हमें कभी दिखता है कि किसी कंपनी की टोटल असेट के 50% से ज्यादा फाइनेंशियल असेट्स है, लाइक ए कंपनी का टोटल असेट 1,00,000 रुपए, 50,00,000 से ज्यादा क्या है, कोई शेयर खरीद रखे हैं, लीज पर दे रखी है, लोन दे रखे हैं लोगों को, 50% से ज्यादा फाइनेंशियल असेट एंड उस कंपनी की टोटल रेवेन्यू के, टोटल इनकम के 50% से ज्यादा फाइनेंशियल असेट से होने वाली इनकम, लाइक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी से मिलने वाला डिविडेंड एटसेट्रा। तो अगर किसी कंपनी की 50% असेट से ज्यादा असेट फाइनेंशियल असेट और 50% इनकम से ज्यादा रेवेन्यू फाइनेंशियल असेट से होने वाली इनकम से है तो उस कंपनी को यहां क्या ट्रीट किया जाता है, एनबीएफसी, फिर आरबीआई उसको बोलेगी बकायदा कि अपने आपको एज एनबीएफसी रजिस्टर करवा दो। एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यह आप अच्छे से जानते हो। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या, नॉर्मल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स जो डिमांड पर आपको रिडीम करना पड़े वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनबीएफसी क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए एनबीएफसी अपने ऊपर कोई चेक इश्यू नहीं कर सकती। मतलब हर बैंक की चेक्स होते हैं लेकिन एनबीएफसी के चेक नहीं होते, और एनबीएफसी की डिपॉजिट्स पर डीआईसीजीसी की गारंटी कवर नहीं होती। अगर एनबीएफसी में आपने डिपॉजिट रखा हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट नहीं रख सकते एनबीएफसी में, डिमांड डिपॉजिट, दूसरे डिपॉजिट तो रख सकते हैं, तो अगर वो डूब जाए तो डीआईसीजीसी जैसे बैंकों के डिपॉजिट्स पर गारंटी देती है, ये पैसे वहां कवर नहीं होंगे, इसके लिए कवरेज नहीं है। डीआईसीजीसी एनबीएफसी के डिपॉजिट्स को कवर नहीं करती, एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स के पैसे अगर डूब जाए तो डीआईसीजीसी से वापस नहीं मिलेंगे। देखिए बैंक में होता है कि आपने एफडी करवाई, बैंक डूब गई तो गवर्नमेंट डीआईसीजीसी के थ्रू आपको पैसे देगी। नाउ एनबीएफसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक बड़ा चेंज, मिनिमम रिक्वायर्ड नेटवर्थ इज नाउ 5 times 10,00,000,000 रुपए। मॉड्यूल कुछ अलग लिख रहा है, गलत लिख रहा है, आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइन 10,00,000,000 रुपए कर चुकी है आरबीआई। दस करोड़ रुपए, मॉड्यूल अलग लिख रहा है सर, गूगल अलग बता रहा है सर, 10,00,000,000 रुपए हो चुकी है मिनिमम रिक्वायर्ड नेटवर्थ। एक्ट
एक्चुअल मार्क, मेरा एक स्टूडेंट केवल एनबीएफसी का ही काम करता है, तो उससे मैंने कंफर्म किया है। अभी रिसेंटली उसने कुछ दिन पहले एक एनबीएफसी के लिए अप्लाई किया, तो आरबीआई ने बोला है 10 करोड़ रुपए करके लाओ। एग्जिस्टिंग एनबीएफसी को 2027 तक का टाइम दिया है नेट नॉन फंड 10 करोड़ करने के, लेकिन नई को तो 10 करोड़ अभी पहले देने कर दी। कार्तिक पूछ रहा है विदाउट हैविंग क्यों लिखा है। बेटा ये ऐसा लिखा है, नो एनबीएफसी कैन कमेंट्स और कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एनबीएफसी विदाउट हैविंग नेट ऑन फंड ऑफ ₹10 crore। 10 करोड़ जब तक नेट ऑन फंड नहीं हुआ, आप एनबीएफसी का बिजनेस कमेंट्स नहीं कर सकते। टाइप ऑफ एनबीएफसी कल या बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। ये छोटा सा टॉपिक जल्दी से इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेता हूं। एनबीएफसी के एडवांटेज क्या है कि एनबीएफसी की रेट्स बैंक जैसी ही होती हैं, जो कि अफोर्डेबल होती हैं, इसलिए नॉर्मल पब्लिक आम जनता एनबीएफसी से भी लोन लेती है। और बड़ा एडवांटेज यह है कि यहां से लोन मिलना बैंकों के कंपेरिजन में आसान है। आनिया रियली सॉरी, मुझे नहीं पता आपने कब मैसेज किया था, स्किप हो गया होगा, अदरवाइज आई ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि बहुत मैसेजेस आते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रिप्लाई कर दूं। आप मुझे वापस, कभी ऐसे 2-3 दिन हो जाए मैं मुझसे रिप्लाई ना आए गलती से, तो सॉरी इन एडवांस, पर आप उसको वापस डॉट डॉट करके वापस ले आया करो, है ना, बता दो कि ये डाउट बचा हुआ है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। रियली सॉरी फॉर दैट, आप मुझे वापस भेज दें। तो बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उतनी ही कॉम्पिटिटिव रेट्स एनबीएफसी की भी होती हैं, तो एनबीएफसी के थ्रू इसलिए लोन लिया जा सकता है। और बड़ा एडवांटेज क्या है कि उनकी प्रोसेसिंग बैंकों के कंपैरिजन में क्विक होती है, क्योंकि बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होती हैं, एनबीएफसी आरबीआई के रेगुलेशन नॉर्मल और कंपनीज एक्ट से रेगुलेट होते हैं, इसलिए एनबीएफसी पर कंप्लायंसेज और रेस्ट्रिक्शन बैंकों के कंपेरिजन में कम होते हैं, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन क्विक होती है। ये बड़ा एडवांटेज। नेक्स्ट, ये अभी अभी बातों बातों में हो गया कि एनबीएफसी पर बैंक के कंपैरिजन में कंपेरेटिवली रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, कम स्ट्रिक्टर। नेक्स्ट, बैंक्स हो गई बहुत बड़ी चीज, तो बैंक्स ट्राई करती हैं कि अच्छे कस्टमर्स को ही लोन दें, बहुत प्रूडेंस पर चलती हैं, बहुत सेफ्टी के साथ बिजनेस करती हैं, लेकिन एनबीएफसी कंपेरेटिवली अग्रेसिव होती हैं। तो वो लोग जिनकी सिबिल स्कोर, जिनका सिबिल स्कोर याद है आपको, सब सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर कंपेरेटिवली कम है, उन्हें बैंक्स लोन नहीं देती, पर एक लिमिट तक उनको लोन एनबीएफसी दे देती है। नेक्स्ट, क्या आज की डेट में व्यक्ति पहले बैंक के पास जाता होगा या डायरेक्टली एनबीएफसी के पास जाता होगा? तो मैं आपको बता दूं, आज भी लोग यही ट्राई करते हैं कि पहले लोन कहां से लें, बैंक से, क्योंकि उन्हें ज्यादा विश्वास किस पर है, बैंकिंग सिस्टम पर, और जब वहां से नहीं मिलता है ना तो वो किस और जाता है, एनबीएफसी। और एनबीएफसी वाले भी समझदार हैं, अगर उसको लोन दे रहे हैं जिसको कोई और नहीं दे रहा, तो इंटरेस्ट की रेट चार्ज करते हैं हायर, पर आपने तो बोला था कॉम्पिटिटिव है, वो तो उनके लिए जो लोन ये भी दे रहे हैं और बैंक भी दे रही है, वो लोन ये बैंक जैसी रेट पर ही देंगे, लेकिन जब जिस व्यक्ति के लिए लास्ट रिजॉर्ट है ये, उसको फिर ज्यादा रेट पर देते हैं, उनका बिजनेस ही ऐसे चलता है, बट हाँ दे देते हैं उनको लोन। नेक्स्ट, कैटर्स कस्टमर्स नीड्स। जितने नए नए प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स में नए नए वेरिएशंस एनबीएफसी लाती है ना, बैंक नहीं लाती। उसका रीजन है क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने का किसको पड़ी है, एनबीएफसी को, इसलिए नए नए इनोवेशन करते रहते हैं प्रोडक्ट्स में। किसी भी बैंक के पास की पॉलिसी नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 30 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन दे दे, कई एनबीएफसी में है। आप सीएस हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, 20 लाख का अनसिक्योर्ड लोन ले जाओ, केवल अपनी डिग्री दिखाओ। नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीजें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट एनबीएफसी समझती है, दे कैटर द कस्टमर्स नीड। नाउ एनबीएफसी को रजिस्टर कैसे करते हैं, नॉर्मल बात है बहुत। 2 करोड़ की नेटवर्क कितनी हो गई, 10 करोड़।
एनबीएफसी बनानी है, सबसे पहले क्या करना होगा, एक कंपनी बनानी होगी अंडर कंपनीज एक्ट। फिर आपको क्या करना होगा, मिनिमम नेटवर्थ बनानी हो, नेट ऑन फंड बनाना होगा 10 करोड़। कैसे प्रूव करोगे मिनिमम नेट ऑन फंड 10 करोड़ है, उतने की कैपिटल होनी चाहिए आपके पास। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और नई कंपनी बनाई है तो कैपिटल और इतनी एफडी करवा दो बैंक में, तब मानेंगे वो। मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए एनबीएफसी बैकग्राउंड का, या कोई सीनियर बैंकर फुल टाइम डायरेक्टर इन, ये फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी में, जो कौन हो एनबीएफसी बैकग्राउंड या सीनियर एनबीएफसी बैकग्राउंड का या सीनियर बैंकर व्यक्ति। नेक्स्ट, जो एनबीएफसी बना रहे हैं प्रमोटर्स, उनका सिबिल रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, क्लीन, मतलब उन लोगों ने लोन एडवांसेस के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो, और उनको एनबीएफसी या फाइनेंस बिजनेस समझ में आता हो प्रमोटर्स एटसेट्रा को, तो आपको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, तो एप्लीकेंट को सबसे पहले ऑनलाइन एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कॉस्मोस वाले पोर्टल पर जाकर। कॉस्मोस वाले पोर्टल पर जाकर आपको कॉस्मोस पोर्टल पर एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और फिर ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन की एक्नोलेजमेंट कहां जमा करानी होगी, आरबीआई के रीजनल ऑफिस। तो यहां एनबीएफसी के केस में एप्लीकेशन ऑनलाइन भी सबमिट होती है और बाद में फिर फिजिकल भी सबमिट होती है, तो रीजनल ऑफिस आपको करेक्ट फिल करना पड़ेगा। रीजनल ऑफिस जहां का सेलेक्ट करोगे वहीं आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी। रीजनल ऑफिस क्या होता है, हर रीजन में आरबीआई का ऑफिस है, जैसे एमपी में भोपाल में ऑफिस। तो अगर एमपी में कोई किसी को एनबीएफसी बनाना है तो एमपी में के लिए भोपाल का रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हार्ड कॉपी सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, और आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को फाइल करके एक नंबर जनरेट हुआ होगा, उससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। काम की बात तो यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ। सही बताऊं तो एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नहीं क्या है, लाइसेंस। आरबीआई लाइसेंस ही तो दे रही है एनबीएफसी का। रजिस्ट्रेशन तो क्या होता है बताते हैं आपको, लाइसेंस में पूछते हैं कर लें क्या ये काम, टेक्निकली लाइसेंस है। तो अब देखते हैं एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला नाम क्या, उस कंपनी की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, बट बेसिक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करना होगा। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट की एक्सट्रैक्ट की सर्टिफाइड कॉपी, आपको अपने मेमोरेंडम का मेन ऑब्जेक्ट बताना होगा। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्जेक्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट क्लोज, केवल मेन ऑब्जेक्ट की कॉपी आपको जमा करवानी, इसमें दिखे कि आपका ऑब्जेक्ट एनबीएफसी का बिजनेस चलाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है, इन चीजों का बोर्ड रेजोल्यूशन। एनबीएफसी कंपनी बना ले पहले, बोर्ड मीटिंग करे, बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करवाए। क्या क्या रिजोल्यूशन पास करवाए, कि अभी कंपनी कोई एनबीएफसी का बिजनेस कैरी नहीं कर रही, और अगर आपने लाइसेंस नहीं दिया तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर टू, कोई भी ऐसी अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है हमारे ग्रुप में जिसमें डायरेक्टर्स का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिसमें हमने पब्लिक से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हो। सीधी सी बात ये, हमने बिना एनबीएफसी के पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रखे। हमारे डायरेक्टर की ऐसी कोई भी अन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है जिसमें हमने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, हमने फेयर प्रैक्टिस कोड बना लिया आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कैसे हम हमारा बिजनेस अच्छे से करेंगे, फेयर प्रैक्टिस कोड हमने बना लिया। कंपनी ने कोई पब्लिक का फंड एक्सेप्ट नहीं किया है अभी, और जब तक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं मिल जाएगा आरबीआई के अप्रूवल के बिना पब्लिक फंड एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट, आज की डेट में हमारा कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, आपसे बिना पूछे बनाएंगे भी नहीं। कस्टमर इंटरफेस मींस हमने कोई ऑफिस चालू नहीं कर दिया है जहां लोग इंक्वायरी करने आने लगे, देयर इज नो कस्टमर इंटरफेस एज ऑफ नाउ। ये पांच चीजें बोर्ड लिख कर दे। नेक्स्ट, 10 करोड़ रुपए कैसे प्रूव करोगे आपका नेट ऑन फंड है, तो आपको उतने करोड़ के अमाउंट की क्या करवानी है बैंक में, एफडी, तो उस एफडी की रिसिप्ट आपको यहां सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट,
अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो पिछले 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको यहां पर जमा करवाने हैं। अगर 3 साल से ज्यादा हो गए कंपनी को बने तो 3 साल के जमा करवाने हैं। लास्ट बैंकर्स रिपोर्ट, कंपनी की, कंपनी के ग्रुप, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी के रिलेटेड पार्टी के डायरेक्टर, ये जो एनबीएफसी बनी है इसके पूरे ग्रुप की कंपनियां, इस एनबीएफसी जो बनी है उसके डायरेक्टर्स, इस एनबीएफसी की होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनियां, सारी कंपनियों की बैंकर्स रिपोर्ट जमा होगी आरबीआई के पास। बैंकर रिपोर्ट मतलब क्या, जिसमें बैंक बताए कि इनका कैसा अकाउंट यहां कैसा चल रहा है, हमारे यहां कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर रहे हैं लोग, कोई चेक बाउंस तो नहीं होते, पैसे रेगुलर हैं या नहीं इनके, तो बैंकर्स की रिपोर्ट चाहिए। बैंकर दोनों तरह के होंगे, चाहे वो बैंकर ने लेंड किया हुआ हो इनको या बैंकर ने इनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हो, चाहे वो डिपॉजिटिंग अकाउंट हो आपका बैंकर के यहाँ या लेंडिंग अकाउंट हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करने हैं। ये है एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। आगे आते हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी का टाइप है, इसका कोर बिजनेस क्या है, केवल हाउसिंग फाइनेंस, कोर बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस, होम लोन देना या उससे रिलेटेड दूसरे हाउसिंग लोन देना। भले ही आरबीआई है, सॉरी भले ही एनबीएफसी है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। कौन रेगुलेट करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, उनके रेगुलेशन से चलते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। वेरी गुड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जनरली अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती। कौन सा देती है? सिक्योर्ड। बदले में क्या गिरवी रखती है? मकान एज ए कोलेटरल, तो मकान ही गिरवी रखकर लोन देती है। तो लोन का अमाउंट कितना होगा? जनरली मकान का जो वैल्यू है उसका एक पर्टिकुलर परसेंट, लाइक 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जो आप गिरवी रख रहे हो। कोलेटरल से क्या होता है? एक श्योरिटी रहती है कि कोई रिस्क नहीं होगी डिफॉल्ट की, करेगा डिफॉल्ट तो हम इसकी एसेट बेच देंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में? प्रॉपर्टी का रियलिस्टिक वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी का हर समय समय पर इसलिए वैल्यूएशन करवाते हैं कि जितने का लोन दिया उतने की तो प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा दिए गए लोन जनरली हाउसिंग नेचर के होते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के लिए दिया है तो हाउसिंग हाउस ही खरीद रहा होगा जनरली, और जनरली ये लॉन्ग टर्म के होते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बनाने के लिए भी बनानी पड़ेगी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, और मेन ऑब्जेक्ट लिखना होगा प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नेशनल हाउसिंग बैंक के पास करवाना होता है रजिस्ट्रेशन। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी कंपनी, और इसी नेशनल हाउसिंग बैंक की गाइडलाइन, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन के थ्रू चलती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस को हाउसिंग फाइनेंस बोलने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, 2 कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, हाउसिंग फाइनेंस बनाने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? एक एनबीएफसी जिसमें 60% असेट कौन सी होनी चाहिए? हाउसिंग फाइनेंस की। बताओ जो लोन देते हैं वो एनबीएफसी के लिए असेट होती है लाइबिलिटी होती है? ऑब्वियस है असेट होती है, तो टोटल असेट का 60% असेट क्या होनी चाहिए? हाउसिंग फाइनेंस वाली असेट जो हमने होम लोन या उससे रिलेटेड लोन दिए हुए हो, टोटल लोन का 60% वो हो। और पॉइंट नंबर 2, टोटल असेट का 50% हाउसिंग फाइनेंस किसको होना चाहिए? इंडिविजुअल्स को। जरूरी है क्या इंडिविजुअल्स को ही लोन दे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? नहीं, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड लोन देगी लेकिन जरूरी नहीं ना इंडिविजुअल्स को ही दे। तो टोटल तो 60% मिनिमम होना चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 50%, 60 और 50। अब हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउसिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है। हाउसिंग फाइनेंस मीन्स व्हाट?
हाउसिंग फाइनेंस का मतलब क्या, क्योंकि क्या लिखा 60% हाउसिंग फाइनेंस असेट होनी चाहिए टोटल का, और टोटल का 50% हाउसिंग फाइनेंस असेट होनी चाहिए फॉर इंडिविजुअल्स। हाउसिंग फाइनेंस किसे कहें? हाउसिंग फाइनेंस मीन्स फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस मीन्स पैसे उधार देना फॉर द, बहुत बढ़िया अंशिका, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर ऑफ व्हाट? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, रहने के जगह, रहने का मकान, उस रहने के मकान को बनाने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, उसको मॉडिफाई, उसको रिनोवेट करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए जो लोन है उसको कहते हैं हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस मीन्स द फाइनेंसिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर है सबको? बट इट इंक्लूड्स इन इन चीजों के लिए लोन दोगे तो भी क्या माना जाएगा? हाउसिंग फाइनेंस। मेरा फिर क्वेश्चन है, क्यों हाउसिंग फाइनेंस के डेफिनेशन पढ़ रहे, क्यों हाउसिंग फाइनेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ? क्योंकि टोटल असेट का 60% हाउसिंग फाइनेंस वाली असेट होनी चाहिए और टोटल असेट का 50% हाउसिंग फाइनेंस वाली असेट फॉर इंडिविजुअल्स। क्या क्या इंक्लूड है हाउसिंग फाइनेंस में? इन वाले लोन को भी हाउसिंग फाइनेंस माना जाएगा। इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जब आप लोन देते हो फॉर कंस्ट्रक्शन परचेस ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट, नया मकान बनाने के लिए दिया हुआ लोन हाउसिंग फाइनेंस, ओल्ड ड्वेलिंग यूनिट पुराना मकान खरीदने के लिए दिया हुआ लोन भी हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा ओल्ड या न्यू ड्वेलिंग यूनिट खरीद रहे हो बाय मॉर्टगेजिंग एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट। ये देखो इंटरेस्टिंग, अपना एग्जिस्टिंग मकान उधार रख के मेरे को ना एक मकान बनाना है, उस मकान के प्लॉट मेरे पास है, उस मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैंने क्या किया, मेरा फ्लैट गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ये भी हाउसिंग फाइनेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैं पैसा कहां लगा रहा हूं? ड्वेलिंग यूनिट्स बाय क्रिएटिंग द मॉर्टगेज ऑन एग्जिस्टिंग यूनिट्स। चौथा, बस हर जगह एक ही बात चल रही है, लोन टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। लोगों को इकट्ठा भी लोन दे सकते हो हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर। लोन टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर व्हाट? रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट, रहने के मकान का रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिया हुआ लोन भी हाउसिंग फाइनेंस है। हाउसिंग बोर्ड होते हैं हर स्टेट में, स्टेट हाउसिंग बोर्ड, जो कॉलोनी आप काटते हैं लोगों के लिए। अरे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी होती है ना, लोगों के रहने के लिए कॉलोनी काटते हैं, तो पता पड़ा हाउसिंग बोर्ड को टाउनशिप बनानी है, लोगों को फिर फ्लैट बांटेंगे, तो हाउसिंग बोर्ड को वो टाउनशिप बनाने के लिए लोन चाहिए। तो लेंडिंग टू पब्लिक एजेंसी, सरकारी एजेंसियों को, इंक्लूडिंग स्टेट हाउसिंग बोर्ड, इन सरकारी एजेंसियों को मकान बनाने के लिए लोन देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट्स बनाने के लिए लोन देना भी हाउसिंग फाइनेंस। एम्प्लॉई के लिए मकान बनाने के लिए कंपनियां गवर्नमेंट को लोन देना, बनाती है क्वार्टर्स एम्प्लॉइज के लिए, तो कंपनियों को, गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज के लिए रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाने के लिए, जो क्वार्टर बन रही है, रेसिडेंशियल यूनिट बन रही है, उसको बनाने के लिए कंपनियों को लोन देना भी हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट, बन तो रही है टाउनशिप, लेकिन उस टाउनशिप में क्या बन रहा है? कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, सोशल कल्चरल या अदर इंस्टीट्यूशन लाइक क्लब, जो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पार्ट है। होता है क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट के पार्ट? तो किसी टाउनशिप बनाने वाले व्यक्ति को टाउनशिप बनाने के लिए लोन देना भी हाउसिंग फाइनेंस कहलाएगा। और वहां टाउनशिप बनाने के अलावा एजुकेशनल, हेल्थ, सोशल, कल्चरल वाली चीजें बनाने के लिए लोन देना भी, जो उस प्रोजेक्ट का पार्ट है उसके लिए लोन देना भी हाउसिंग फाइनेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, सम एरियाज, झुग्गी झोपड़ियों की हालत सुधारने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करना है गवर्नमेंट को, उसके लिए लोन देना भी हाउसिंग फाइनेंस। स्लम क्लियरेंस बोर्ड, जिनका काम ही है झुग्गी झोपड़ियां हटाना, वो स्लम
क्लियरेंस बोर्ड को स्लम के इंप्रूवमेंट के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के सुधार के लिए लोन देना, बी हाउसिंग फाइनेंस। देखो पॉइंट नंबर के अभी अभी बता रहा था, बिल्डर को लोन देना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट, रहने के मकान, फ्लैट एटसेट्रा बनाने के लिए बिल्डिंग, बिल्डर को लोन देना। लेते हैं बिल्डर लोन पहले, वो उनके पास पैसा कहां से आएगा, ये सब हाउसिंग फाइनेंस है। शिवांश वो भी हाउसिंग फाइनेंस है, ये सब हाउसिंग फाइनेंस है। लेकिन आप अपने मकान को गिरवी रखकर किसी और चीज के लिए लोन ले लो, कहते मेरे को शादी करनी 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, मकान गिरवी रख लो, क्या ये हाउसिंग फाइनेंस कहलाएगा? आप बोलो गिरवी तो मकान ही रखा है, मकान गिरवी रखा है, क्या इंटेंशन भी कुछ हाउसिंग का काम करना ही है? नहीं, पर वाले सारे ऑब्जेक्ट हाउसिंग के थे। तो जितने भी दूसरे लोन है गिवन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर आपने लोन लिया, पर लोन क्यों लिया? फॉर पर्पज अदर देन बाइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ड्वेलिंग यूनिट एंड रिनोवेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट, इसके अलावा किसी और चीज के लिए आपने लोन लिया, भले ही अपना मकान गिरवी रखे, वो हाउसिंग फाइनेंस नहीं कहलाएगा। ये बेनिफिट्स तो हाउसिंग फाइनेंस के आप पढ़ सकते हो, एक बार इसको पढ़ लेना, देयर इज नो इनफ डिस्क स्पेस ऑन द डिस्क, दैट्स व्हाई ये लेक्चर यहीं खत्म करना पड़ेगा, तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कुछ बेनिफिट्स भी मॉड्यूल में दिए थे, मैं काम करता हूँ स्टार्टअप और हाउसिंग फाइनेंस दोनों का, सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, आपकी जरूर आइडेंटिफाई कर देना कौन कौन सा टॉपिक मैंने इस टाइम आपको एडिशनल दिया था। तो चलिए मैं दोनों भेज देता हूँ, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।